नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो साइंस का कंप्लीट कोर्स करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट दोनों जगह प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। क्लास नंबर 8 सामाजिक अध्ययन की क्लास के अंतर्गत पर्वत हमने से पहले पार्ट नंबर 1 देखा था, साइन माई बटन, पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। ये आपका पूरा कोर्स है, पर्वत आपका चैप्टर चल रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के पर्वत हम जो है वो देख रहे हैं। तो मैप में हम सारी चीजों को समझ रहे हैं और हमने ये ऊपर का जितना भी हिस्सा है नदियों के आधार पर इन सभी पर्वतों को देख लिया था इससे पहले वाली क्लास में। अब मध्य भारत और साथ में जो और पर्वत रह गए उन सभी की बात जो है वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गारो खासी जो जयंतिया है, ये आप देख रहे हैं स्थिति। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा जो है आपका पर्वत किस स्थान पर है, किस राज्य में है। मैप में अगर आप देखेंगे तो गारो खासी जयंती यहाँ पर दे रखा है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी यहीं से होकर के यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, यहीं से होकर के जाती है। तो गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है, तो मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जो मेघालय राज्य आप देख रहे हैं यहाँ पर गारो खासी जयंतिया जो है वो पहाड़ियां हैं। तो स्थिति आपको रटी होनी चाहिए, डायरेक्ट भी पूछा जाता है किस राज्य में है इसलिए। इसके अलावा साइड में ही अगर आप गारो खासी जयंतिया जो उसके इस तरफ और आएंगे तो यहाँ पर नागा की पहाड़ियां, पटकोई श्रेणी, मणिपुर की पहाड़ियां, ये सब भी देखने को मिलती हैं। तो ये केवल और केवल नाम पता होना चाहिए, बाकी और ज्यादा इसमें डिटेल में आवश्यकता कोई नहीं। अब हम बढ़ते हैं हमारे मध्य भारत की तरफ। ये आपका सेंटर का जो है भारत का मैप है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं इस किनारे से। तो सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी की। भारत में अगर ये स्थिति देखेंगे तो आपकी कहाँ पर पड़ती है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं राजस्थान वाला, यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। और ये पर्वत श्रेणी राजस्थान के अलावा यहाँ गुजरात तक में भी आती है, और अगर ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये हरियाणा और जो पंजाब है इस सभी में फैली हुई है। तो कुल मिला के इस प्रकार से इसका जो है वो एरिया है, राजस्थान मेन इसका सेंटर है, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर उसके बाद अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए या सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात की जाए तो ये जो है आपका गुरु शिखर जो है आपका है। ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। ये कहाँ पर है, तो ये आपका माउंट आबू में है। इस नाम को भी जरूर ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है माउंट आबू जो है उसमें है। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है, तो सिरोही जो है उसमें पड़ता है। इसके अलावा ये जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है इसके आसपास कौन सी जनजाति जो है वो रहती है, तो भील जनजाति जो है वो आपकी निवास करती है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा आपका पाकिस्तान में भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं, बाकी पूछा जो है वो नहीं जाता है। गुरु शिखर की बात करें इसकी जो है वो ऊंचाई कितने मीटर है, तो 1722 मीटर जो है इसकी जो है वो ऊंचाई है गुरु शिखर की। इसके अलावा अरावली से क्वेश्चन एक ऐसे आता है कि प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सा है, तो आपका अरावली पर्वतमाला जो है वो होगा। तो प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने अगर वलित पर्वतमाला की बात की जाए तो आपका अरावली आपको जो है वो याद रखना है। अरावली जो पर्वतमालाएं हैं इसमें चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टान और ग्रेनाइट चट्टाने ये आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो मृदा जो है यहाँ पर लाल मृदा जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। और नदियों के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी से नदी जो है वो निकलती है, जो कि कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है, तो उस नदी का नाम था आपका लूनी नदी। एक तो लूनी नदी मैंने आपको बताई थी जो कि कच्छ के रण में मिलती थी, और अरावली पर्वत श्रेणी से एक माही नदी भी जो है वो थी। लूनी आपकी ज्यादातर पूछी जाती है, कुछ इस प्रकार से जो है वो इस तरीके से बहती थी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। स्थिति सबसे पहले मैप में कहां पर है, तो ये आप यूपी देख रहे हैं, लेकिन राजस्थान की हमने बात कर ली, राजस्थान की इस तरफ देख रहे हैं तो यूपी है, नीचे देख रहे हैं तो एमपी है। तो अब यूपी और एमपी पर जो है वो फोकस हम कर रहे हैं, और यूपी और एमपी में ही आपकी जो है वो जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और ये जो है आपका केवल यूपी और मध्य प्रदेश में नहीं, थोड़ा सा इधर गुजरात में भी देखने को मिल जाता है हिस्सा, और इधर साइड जो है आपका बिहार में, पर फोकस आपका मेन यूपी और एमपी पर ही जो है वो किया जाता है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर इन पर्वत श्रेणियों में कौन सी देखने को मिलती है, तो नर्मदा नदी आप देखते हैं इस तरीके से नीचे आके, गंगा नदी में मिलती थी आपकी, तो कौन सी नदी इस
पर्वत श्रेणियों से संबंधित है, तो नर्मदा नदी आपका जो है आप याद रख सकते हैं। विंध्याचल जो है पर्वत श्रेणी है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंचा शिखर, इसका सबसे ऊंचा बिंदु, जैसे हमने देखा था अरावली का गुरु शिखर था, तो इसका कौन सा है? तो इसका जो है आपका सद्भावना शिखर है। सद्भावना, हाँ एक्चुअल में दा में ही बनाकर लिख दिया जाता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो है इसे लिख दिया जाता है, या अलग अलग भी लिख सकते हैं सद्भावना शिखर। चलिए अलग लिख देते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए। सद्भावना शिखर ये जो है आपका विंध्य जो है, विंध्याचल जो है इसका सबसे ऊंचा बिंदु है। और अगर ऑप्शन में सद्भावना शिखर ना देखने को मिले तो अमरकंटक करके नाम भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, पर हर जगह आपको सद्भावना ही देखने को मिलता है। पर इन केस अगर आपको ऑप्शन में अमरकंटक देखने को मिले तो उस ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं। बाकी सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ऊंचा शिखर है सबसे। तो ये स्थिति हमने देख ली ऑलरेडी राज्य में, इसको रब करते हैं। फिर विंध्याचल जो है इसके जब नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी जो पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, ये देखने को मिलता है सतपुड़ा पर्वत। ये वाले मैप में आप देखिए, इस वाले में तो आपको क्लियर दिखाई देगा, ऊपर जो है आपका अरावली है, उसके नीचे ये विंध्य श्रेणी जो अभी हमने देखी, और विंध्य श्रेणी के और नीचे जब आएंगे तो ये क्या है सतपुड़ा श्रेणी, और सतपुड़ा श्रेणी के और नीचे जब आएंगे तो ये महादेव की पहाड़ियां हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं, महादेव पहाड़ी जो है उससे पहले, तो सतपुड़ा जो श्रेणी है अगर इसका विस्तार आपसे इस तरफ कहा जाए, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम इधर पूर्व, ऊपर आपका उत्तर होता है नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम इधर पूर्व, तो अगर पूर्व दिशा की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो सतपुड़ा जो श्रेणियां होती हैं उनका विस्तार अगर पूर्व में कहा जाए तो छोटा नागपुर पठार तक देखने को मिलता है। पूर्व में अगर बात की जाए कौन सी चट्टानें हैं इसमें सतपुड़ा श्रेणी, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से जो है ये मुख्यतः निर्मित है। सतपुड़ा श्रेणी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ जो है इसकी सबसे ऊंची जो है वो चोटी है। कौन सी है? धूपगढ़, ये जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और स्थिति की बात करें तो एमपी आप देख रहे हैं इसमें देखने को मिलता है, और इसके बगल में महाराष्ट्र देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इसका है सतपुड़ा, जो आपकी पहाड़ियां या पर्वत है। फिर नदियों की अगर हिसाब से बात करें तो मैंने बताया था नर्मदा नदी जो है यहीं से इस प्रकार से इस तरफ जाती है, और ताप्ती जो नदी है उसकी भी स्थिति मैंने आपको बताई थी। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती इनकी जो दरार घाटियां हैं इनके बीच में एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजपीपला पहाड़ी, और एक पहाड़ी है महादेव पहाड़ी, और एक पहाड़ी है आपकी मैकाल श्रेणी। तो इनके रूप में ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो फैली हुई है। तो केवल नदी आपको याद रखना है तो नर्मदा ताप्ती, बाकी मैंने पहाड़ियां तीनों बता दी, राजपीपला महादेव और मैकाल। महादेव पहाड़ी अगर देखेंगे तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जो है आपको दे रखी है सतपुड़ा श्रेणी के जस्ट नीचे, और जो महादेव पहाड़ियां ये भी आपकी नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं इन्हीं के बीच में स्थित हैं, और ये इसी सतपुड़ा श्रेणी का जो है वो एक भाग के अंतर्गत जो है वो आती है। ये चीज क्लियर हुई आपकी। इधर हमने जो है वो छोटा नागपुर का पठार ऑलरेडी देख लिया है, इधर साइड देखिए तो गिर श्रेणी है, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपकी अन्नामलाई या अन्नामुड़ी है। सबसे नीचे अगर आप देख रहे हैं ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, तो इस प्रकार से अब आपको क्लियर दिखाई देगा। नीचे आप देख रहे हैं ये अन्नामलाई या अन्नामुड़ी, ये आपसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी जो है वो है, तो सर्वोच्च पर्वत चोटी आपकी जो है यही है जिसका नाम है अन्नामलाई या फिर अन्नामुड़ी की पहाड़ियां। किस राज्य में है अगर बात करें तो ये जो है वो केरल राज्य में जो है वो स्थित है, केरल राज्य में। पर अगर बात की जाए दक्षिण भारत की ही दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर जहाँ अन्नामलाई देख रहे हैं इसी के ऊपर पड़ती है यहाँ पर डोडाबेट्टा। डोडाबेट्टा जो कि आपका नीलगिरी जो पर्वत, आप ऊपर नीलगिरी पहाड़ियां देख रहे हैं,
इसी के अंतर्गत आती है और नीलगिरी पर्वत जो है इसी में ही, इसकी भी यानी नीलगिरी पर्वत की भी आपसे पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा ही है। और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो भी आपकी डोडा बेट्टा ही है। रुकिए, इसको हम दूसरे मैप में दिखाते हैं ताकि यहाँ लिखा भी हुआ है ना, ये नीलगिरी की पहाड़ियां, देखिए नीलगिरी की पहाड़ियां लिखा हुआ है और इसी में डोडा बेट्टा लिखा हुआ है। तो ये आपकी दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो दक्षिण भारत जो है इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत दूसरी सर्वोच्च चोटी, एक क्वेश्चन ऐसे आता है और एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि दक्षिण भारत की ना पूछ करके नीलगिरी की पहाड़ियां जो है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा है। डोडा कह लीजिए या डोडा डा करके भी लिखा रहता है, वो बात एक ही है। और किस राज्य में है, तो ये आपकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु, इसमें जो है ये पड़ती है। थोड़ा सा हिस्सा इधर केरल में भी आता है, थोड़ा सा हिस्सा कर्नाटक में भी आता है, तो ये तीनों मिला करके आपका जो है ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वो फैली हुई है। पर डोडा बेट्टा किस में आता है, तो डोडा बेट्टा आपका तमिलनाडु में आता है, इस चीज को आप याद रख सकते हैं। और वो मैंने बताया था कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी अन्नामुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियां, वो किस में आता है, तो वो ये केरल में जो है वो आता है। तो केरल में आता है आपका वो चीज अन्नामुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियां, और जो तमिलनाडु है इसमें आपका नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी डोडा बेट्टा आता है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब इधर साइड अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये पड़ रहा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च पर्वत चोटी अगर पूछा जाए तो ये आपकी कौन सी होती है, ये सैंडल पीक जो है वो आपकी होती है। सैंडल पीक जो है ये आपकी किसकी होती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की होती है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, यहाँ पर आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है ताकि अच्छे से अच्छी सारी की तैयारी हो सके, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। इधर साइड बढ़ते हैं अगर लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो उसका नाम है नारचो। क्या नाम है इसका, नारचो। ये दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ और स्थिति की बात करें, जैसे कि आपका यहाँ पर महाबलेश्वर जो है वो पड़ता है, इसको आपको पता होना चाहिए। एरिया जो है इसका ये महाराष्ट्र वाला जो है ये लगता है आपका, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कलसूबाई जो है वो पड़ता है। अब इस साइड पर थोड़ा सा आते हैं तो इधर साइड आपका मिजो की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां ये हमने बताई थी। इसके नीचे अगर देखेंगे तो अराकान योमा श्रेणी ये देखने को मिलती है। ये आपका भारत और जो म्यांमार का बॉर्डर है वो कह लीजिए, और थोड़ा सा हिस्सा म्यांमार में आता है, तो उसमें जो है ये स्थित है। तो लगभग सारी हमने देख ली। अब एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर जो इंडिया का नक्शा है इसमें सारी चीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी, इसकी सबकी केवल ऊंची चोटियों की बात करेंगे, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई मैंने, गुरु शिखर। फिर उसके बाद हमने बात की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। फिर उसके बाद मैंने बात करी नीचे नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका डोडा बेट्टा। फिर इसके बाद और नीचे गए थे अन्नामलाई अन्नामुड़ी, तो जो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुड़ी जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी ही है, तो उसको डायरेक्ट अन्नामलाई या अन्नामुड़ी की पहाड़ियां जो है वो कह दिया जाता है। इधर साइड हम आए थे तो अंडमान निकोबार समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक। उसके बाद हम इधर लक्षद्वीप की तरफ बढ़े तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये जो है वो नारचो है। उसके बाद हम विंध्याचल पर्वत की बात करें, विंध्य श्रेणी की बात करें, तो विंध्य श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसमें दो मैंने नाम बताए, एक तो अमरकंटक आपको बताया, कहीं कहीं अमरकंटक देखने को मिलता है, और एक मैंने आपको नाम बताया सद्भावना शिखर। तो सद्भावना शिखर और दोनों ही आपको याद रखने हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपको टिक करना है। तो सद्भावना शिखर या अमरकंटक जो है उसकी चोटी। फिर उसके बाद इधर साइड बीच में जो सेंटर में आप देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी शायद मैंने आपको नहीं बताई थी, इसको बता देते हैं, तो इसकी सबसे छोटी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ जो है वो होती है। और ऊपर साइड जो हमने पढ़ा था पिछले वाली क्लास में, तो पंजाब हिमालय की बात की थी, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो आपकी गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है वो थी। उसके बाद हमने कुमायूं हिमालय पढ़ा था, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी नंदा देवी थी। उसके बाद हमने जो है वो आपका नेपाल हिमालय पढ़ा था, नेपाल हिमालय जो है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी थी उसका नाम माउंट एवरेस्ट था। और सबसे लास्ट में जो थी इधर साइड असम हिमालय, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी थी वो आपकी कंचनजंगा जो है वो थी। फिर उसके बाद
जो अरुणाचल प्रदेश यहां से जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नामचा बरवा जो है वो है। तो इस प्रकार से ये क्विक रिवीजन सारी चीजें हमने देख ली। अब हम इस पर बेस्ड प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। 15 प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न, बद्रीनाथ आपका स्थित है कुमायू हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाद्री में या फिर ट्रांस हिमालय में। तो मैंने आपको बताया था जो उत्तराखंड है वहां पर आप कमाने जाते हैं, श्रद्धा कमाने जाते हैं, और कमाने से ही रिलेटेड आप ये याद रख सकते हैं कि जो कुमायू हिमालय है, कमाना, कुमायू हिमालय जो है इसमें ही सभी आपके बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, सब आते हैं। तो ए वाला आपका ऑप्शन कुमायू हिमालय जो है वो सही हो जाएगा। स्थिति आप देख लीजिए यहाँ पर जो है आपका ये पड़ता है, और बाकी ट्रिक आपकी पकना वाली हमने बताई थी उसको याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी है जो कि संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है उसमें आती है, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर नंगा पर्वत, बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी में आती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो है आपका सही होगा। संसार की पूछी गई है क्योंकि संसार की अगर बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट पहले नंबर पे आता है, ये K2 आपका यहाँ पर पूछा गया था, दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है? तो ऊपरी वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर जो है पड़ता है। किस पर्वत श्रेणी में है? तो आपको मैंने कल बताया था काराकोरम में जो है ये आता है। किस हिमालय में आता है? तो पंजाब हिमालय में जो है वो आता है। सारी चीजें आपको याद होंगी, एक बार मैंने फिर से मैप में दिखा दिया ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें जो है वो ताजा हो जाए। तो काराकोरम में आता है K2। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस से, इंडो ब्रह्मा से, शिवालिक से या फिर गोदावरी से, बताइए कौन सा सही होगा। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कराया था। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है वो टेथिस सागर से हुई है, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या जो है वो कहा जाता है? दून कहते हैं या फिर मर्ग कहते हैं या फिर चोस कहते हैं या फिर बुग्याल और पयार जो है वो कहते हैं, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन जब उत्तराखंड की बात हो तो उत्तराखंड में इसे जो है वो बुग्याल एवं पयार के नाम से जो है वो जाना जाता है, लघु हिमालय श्रेणी जो है उसके ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को। पर उत्तराखंड ना पूछ करके अगर प्रश्न में आपसे जम्मू कश्मीर पूछ लिया जाता तब आपका क्या आंसर होता, बताइए क्या सही होगा। तो जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग के नाम से जो है वो जाना जाता है, किसे? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 5 कि सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो है वो स्थित है? आपको मैंने बताया था सबसे पहले ऊपर सिंधु नदी, फिर उसके नीचे सतलज नदी, फिर काली नदी, फिर तीस्ता नदी, इस प्रकार से सारी बताई थी, इधर साइड दियांग नदी। तो सतलज और काली नदी है, तो सतलज यहाँ पर आपकी आई, उसके नीचे काली नदी, तो कौन सा आ रहा है? पकना में पी के बाद क्या आ रहा था? के आ रहा था, तो उससे आप पहचान सकते हैं यहाँ पर के की बात हो रही है, यानी कि कुमायू हिमालय की बात हो रही है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि काली और तीस्ता नदियों के बीच, तो काली आपकी नदी हमने अभी देखी यहाँ पर आपकी स्थिति है, और तीस्ता यहाँ पर है आपकी नदी, और इनके बीच में तो सबसे ऊपर वाला जो है आपका पी रहता है, फिर यहाँ पर के, यहाँ पर आपका एन आता है, एन मतलब नेपाल हिमालय, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नेपाल हिमालय दे रखा है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का जो है वो भाग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका 7वां प्रश्न आपका है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा जो है उसके नाम से जाना जाता है? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया भी था कि जो सागर माथा है माउंट एवरेस्ट को जो है वो जाना जाता है, और माउंट एवरेस्ट ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो सही होगा। और कहाँ पर इसे सागर माथा जो है वो जाना जाता है? तो नेपाल में जो है इसे जाना जाता है, नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जो है वो जाना जाता है। परंतु अगर ये पूछा जाए कि तिब्बत में जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? ये भी मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया था, चोमो लोंगमा के नाम से। क्या नाम से? चोमो लोंगमा के नाम से जो है वो जाना जाता है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को। तिब्बत का एरिया आप जानते हैं ना, यहाँ पर एरिया जहाँ पर एरो बना हुआ है ऊपर वाला, और नेपाल आपका तो ये नीचे पड़ता है, तो एरो बना हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे जो है उनके द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय जो है वो प्राप्त की गई? 1898 से ईस्वी या फिर 1953 ईस्वी, 1957 ईस्वी या फिर 1969 ईस्वी, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला 1953 ईस्वी जो है आपका सही होगा। 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे जो है इनके द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, इस पर सबसे पहले विजय जो है वो प्राप्त की गई थी। सन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और सन को अगर आप याद कर रखे हैं तो उससे जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1950 में संविधान लागू हुआ था उससे जोड़ सकते हैं, 1947 में आज़ादी हुई थी उससे जोड़ सकते हैं, यानी आसपास के जो सन है उसके आधार पर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 कि नंदा देवी चोटी जो है वो है असम हिमालय का भाग, कुमायूं हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग या फिर पंजाब हिमालय का भाग, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मैप में आपको कल वाला दिखाता हूं ताकि चीजें आपको याद आए, ये कुमायूं हिमालय है, नंदा देवी है, तो बस आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि कुमायूं हिमालय का जो है ये भाग है नंदा देवी चोटी, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 10, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था मैप में बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो स्थिति मैंने बताई थी ना इस तरफ किनारे साइड पड़ती है, तो म्यांमार आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर म्यांमार जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या फिर नंदा देवी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रश्न आपका है अगला, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेत या फिर नंदा देवी, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो ये भी मैंने आपको मैप में दिखाया भी था उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो डी वाला आपका ऑप्शन नंदा देवी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी जो है आपका होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित जो पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अगर आपको याद होगा तो पूरी यहाँ पर आपको मैंने अलग अलग श्रेणियां बताई थी, अब उसमें क्रम ही पूछ लिया गया है, तो जासकर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, कौन सा इनमें से क्रम होगा? 4-3-1-2 होगा या फिर 2-1-3-4 होगा या फिर आपका 3-4-1-2 होगा या फिर 1-2-3-4, इनमें सबसे आपका ऊपर कौन सा पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है काराकोरम श्रेणी, अभी मैंने बताया था ना सबसे ऊंचाई पे आपका आता है, फिर उससे इस तरफ नीचे के क्रम में बढ़ते हुए नहीं ना लिखा ना पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से तिरछा क्रम में, तो उसके बाद नंबर आता है आपका लद्दाख श्रेणी का, उसके बाद आपका नंबर आता है जास्कर श्रेणी का और लास्ट में आपका आएगा पीर पंजाल श्रेणी, तो लास्ट में पीर पंजाल श्रेणी देखेंगे तो 3-4-1-2 सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा, इस प्रकार से ये आपका क्रम जो है वो चलेगा। अगला प्रश्न आपका है 13 की कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल, रण ज्योति तथा नागटिब्बा, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, आंसर इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, बाकी मैप में स्थिति मैंने सबकी ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी थी। अगला सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है वो किससे हुआ है? इओजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक या फिर सेनोजोइक, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। शिवालिक जो श्रेणी है उसका निर्माण जो है वो किससे हुआ है? आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक जो है इससे हुआ है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। देखिए थ्योरी पोर्शन हमने पूरा पढ़ा दिया है, अगर प्रश्नों को हम देखेंगे तो और प्रश्न प्रैक्टिस कर सकेंगे, वैसा होगा वैसे हम अगली अगली क्लास में देखेंगे या तो फिर हम नया चैप्टर जो है वो देखेंगे। तो 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय है या फिर अरावली है या फिर विंध है या फिर सतपुड़ा है, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी था कि सबसे प्राचीन करके आपका क्वेश्चन जो है वो एबीसीडी में से आपका अरावली जो है वो बिल्कुल सही होगा, अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में जो है वो आती है। तो चलिए अब देखते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जो भी नहीं जुड़े हैं बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जो है वो जुड़ सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्न आपका इस वीडियो का है,
कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन सिक्किम और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग टॉपिक वाइज जो हम करा रहे हैं वो है शाम के 8 बजे की सुपर टेट के लिए पूरा कोर्स, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लेक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे भी है जिसमें हम सुपर टेट के लिए और लेखपाल के लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।